हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 33 इन चैप्टर 9 फ्रैक्शंस। नाउ पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन द प्लेस होल्डर। आपको यहाँ पे डिजिट को देखना है, इन फ्रैक्शंस को देखना है और साइन जो है वो आपको पुट करना है इनके अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4/5 एंड 2/5। स्टूडेंट्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/5 दोनों के सेम है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है यानी हम यहाँ न्यूमिनेटर देखेंगे। तो न्यूमिनेटर यहाँ पे है 4, यहाँ है 2। सो न्यूमिनेटर जो है 4 और 2, इसमें आप देखेंगे कि 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो आप देखेंगे 4 है, सो इसलिए जो साइन होगा वो इस तरफ हो जाएगा। मतलब यहाँ आपको न्यूमिनेटर को देख कर ही साइन लिखना है। अब यहाँ 1/6 है, 5/8 है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो ऑब्वियसली जो 5 होगा वो ग्रेटर देन होगा। लुक एट हियर, 7/10, 9/10। तो यहाँ पे भी आप ऊपर वाले डिजिट देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो इसका मतलब जो 9 है वो ग्रेटर देन है। सो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके न्यूमिनेटर देख के हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करते हैं। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। नाउ वन मोर एग्जांपल इज 21/25, 8/25। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, यहाँ 21 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब 21 बड़ा है, तो इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यू ऑलरेडी हैव नोन, आप सब जानते हैं कि ये कैसे होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप छोटा लिखते हैं, देन फिर उससे बड़ा, देन फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरह से आप छोटे से हम बड़े की तरफ कंटिन्यू करते हैं, मतलब स्मॉल से हम ग्रेटर की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर से स्मॉल की तरफ जाते हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा लिखते हैं। तो ये हम वर्कशीट में करेंगे। नाउ कम इन वर्कशीट, लुक इट हियर, 7/9, 1/9, 4/9 एंड 5/9। आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सो आपको ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। तो ऊपर में सबसे छोटा है 1, सबसे पहले हम 1 वाली वैल्यू लिखेंगे, देन 1 से जो बड़ा है वो है 4, देन 4 से जो बड़ा है देन 5, देन 5 से जो बड़ा है वो 7 है। तो इस तरह से आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटा है 1, देन उससे बड़ा है 3, 3 से जो बड़ा है वो 6, देन फिर 7। सो दिस इज ऑल अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी विल डू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होता है। डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो आपको यहाँ ऊपर वाली डिजिट में देखना है सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है 6, देन 6 से छोटा है 4, देन 4 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2 और 2 से छोटा है 1। तो इस तरह से आपके जो डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे वो हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, वही डिनोमिनेटर जो है सेम है, ऊपर वाले डिजिट को देखकर ही आपको बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्ट करना है और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ एक्सरसाइज 34, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन इन प्लेस होल्डर। स्टूडेंट्स अभी हमने जो एक्सरसाइज 33 में किया था, वहाँ हमने डिनोमिनेटर सेम देखे थे, यहाँ न्यूमिनेटर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है। तो जिनके डिनोमिनेटर चेंज होते हैं उसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर में जब एक डिजिट दूसरे से बड़ी होती है तो इसका मतलब वो छोटी होती है। यहाँ जो 4 है वो 7 से बड़ा है, पर जब आप इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये जो डिजिट है ये इससे छोटी हो जाती है, मतलब 3/4 जो है वो 3/7 से बड़ा है यानी लार्ज है। डिनोमिनेटर में जो बड़ी डिजिट होती है वो हमेशा छोटी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे 4/9, 4/7, तो 9 यहाँ बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में क्या हो गया, छोटा। 2/5, 2/9, हम आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 9 है वो बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर में बड़ी डिजिट होती है तो वो उतनी ही छोटी होती है। वन मोर एग्जांपल इज 8/15, 8/11, यहाँ आप देख रहे हैं जो 15 है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो इस तरह से आपको ये बुक में फिल करना है, इसे हमने वर्कशीट में भी लिया है, पर वर्कशीट में हमने
ओनली 2-3 क्वेश्चन ही दिए हैं, पर आप इसमें करेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम वर्कशीट में करेंगे। नाउ लुक एट हियर, आपका जो फ्रैक्शंस है वो दे रखा है 2/5, 2/7, 2/3 एंड 2/9। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, पर अभी मैंने आपको बताया है कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनमें आप कैसे करोगे। तो डिनोमिनेटर आप ध्यान देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 5, 7, 3, 9। यह मैंने आपको अभी भी बताया था कि जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है इसका मतलब वो छोटा होता है। तो यहाँ पे 9 जो है सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा क्या हो गया, 9। इसके बाद 9 से जो छोटा था वो था 7, तो उसके बाद आएगा 7, देन 5, देन 3। तो मतलब यहाँ 3 जो है वो सबसे बड़ा होगा और 9 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको देखना है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 11 जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब फर्स्ट यही आएगा, क्योंकि जो 11 है वो सबसे छोटा हो जाता है जब फ्रैक्शन हम लिखते हैं। तो देन 11, देन 9, 7, 5, 4, इस तरह से आपको इन्हें राइट करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पहले सबसे बड़ा लिखते हो, तो बड़ा वो क्या होगा इसमें, अब आप देखेंगे 1/9, 1/3, 1/6, 1/12। तो जो 12 है वो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा है, पर ये जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो इसमें सबसे छोटा है। तो मतलब जो सबसे छोटी डिजिट होगी इसमें वो सबसे बड़ी होगी, लाइक जो 1/3 है वो सबसे बड़ा होगा, देन फिर इससे छोटा होगा 1/6, 1/6 से छोटा होगा 1/9, और 1/9 से छोटा होगा 1/12। सेम इसमें भी आपको यही देखना है, सबसे छोटा होगा 4/7, देन उससे बड़ा 4/9, देन 4/11, देन 4/13 एंड 4/15। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 35। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 35 करने से पहले हमें कुछ रीड करने की ज़रूरत है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, आप देख रहे हैं यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है, तो इसका मतलब ये होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इसके अलावा जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे है 4, 2, 4, 8, 7, ये डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। सो अभी हमने जो रीड किया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, आपको यहाँ ये बताने हैं कि कौन कौन से ग्रुप है जो लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस में हमने अभी अभी डेफिनेशन रीड की है कि जो सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस में आते हैं। तो यहाँ सेम डिनोमिनेटर है के, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ 5-5 है, तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, 8-8-8 ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, हाँ ये भी लाइक फ्रैक्शन है और ये भी लाइक फ्रैक्शन है, मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन हो गए। इसके अलावा आप डी और जब ई की हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। नाउ अब यहाँ आपको अनलाइक फ्रैक्शन बताने हैं। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे बी और जो डी है वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। नाउ राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विथ, ये क्वेश्चन जो है वो हम वर्कशीट में करेंगे। नाउ कम इन वर्कशीट। सो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, आपको डिनोमिनेटर दे रखा है कि 8, कि नीचे तो आपके 8 ही होने चाहिए, और इससे आपको 3 फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आपकी जो भी मन हो, मैंने यहाँ 1/8, 2/8, 3/8 इस तरह से बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं, 5, 6, 7/8, 9/8, इस तरह से आप कोई सा भी फ्रैक्शन इसे राइट कर सकते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर 11 हो तो 11 आप इस तरह से लिख देंगे, 5/11, 6/11, 7/11, मतलब लाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होते हैं, ऊपर वाले डिजिट आप अपने मन से कुछ भी राइट कर सकते हैं। मैंने 5, 6, 7 लिया है, आप 4, 5, 6 भी ले सकते हैं, 11, 12, 13 भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आप राइट जो लाइक फ्रैक्शन है इस तरह से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 35 है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं, ये आपके यहाँ फिनिश हो गई है। इसके आगे जो एक्सरसाइज 36 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ तक जितना भी मैंने आपको कराया है आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपनी मैथ्स की जो नोटबुक है उसमें इसमें वर्क कीजिए। बाय स्टूडेंट्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।